जैसे कि हम यहाँ पे स्लाइड शो रन कर रहे हैं, मैंने F5 किया, हमारी ये स्लाइड रन हो रही है। अभी यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सपोज कि आपका सेमिनार है, आपकी प्रेजेंटेशन है वहाँ पे। जब आप स्लाइड शो रन करते हो, F5 करते हो, तब आप राइट क्लिक करते हो जब स्लाइड्स के ऊपर, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली, आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन होती है, अगर आप मतलब क्विकली किसी भी स्लाइड के ऊपर डायरेक्टली जंप करना चाहते हो, तो जितनी भी स्लाइड्स होंगी तो यहाँ पे आपकी स्लाइड्स दिखने लग जाएंगी, आप क्विकली क्या कर सकते हो, जंप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे जो मतलब स्लाइड शो करते करते अगर आप अपना जो है कस्टम शो दिखाना चाहते हो, तो आप इस तरीके से देखोगे हमारा अब क्या है, कस्टम जो स्लाइड शो था हमारा वो रन होना क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो। अभी फिर हम F5 कर रहे हैं, जैसे कि मैंने F5 किया, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं अगेन। अब उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन की ऑप्शन, स्क्रीन की ऑप्शन, स्क्रीन की ऑप्शन से पहले हम क्या करते हैं, पॉइंटर ऑप्शन करते हैं। पॉइंटर ऑप्शन किस लिए होती है, यहाँ पे आपके पास अलग अलग, जैसे हमने यहाँ पे एरो वाला ऑप्शन चूज किया हुआ है, मतलब जब हम F5 करें तब मेरा यहाँ पे आप देखोगे एरो आपको शो हो रहा है। अगर आप कोई बॉल पेन लेना चाहते हो, फेल्ट टिप पेन, मतलब ये आपके अलग अलग पेन है, ये हाईलाइटर है, तो आप इनमें से कोई भी पेन या हाईलाइटर ले सकते हो, मतलब अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी जो आपकी स्लाइड्स रन हो रही है वो आप समझाने के लिए किसी को। जैसे कि हमने यहाँ पे फेल्ट टिप पेन ले लिया, तो आप देखोगे यहाँ पे ये हमारा क्या आ चुका है, पेन आ चुका है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, एज ए मार्कर की तरह, जैसे ऐसे इस तरीके से क्या कर सकते हो, या आपने कुछ ड्रॉ करना है तो आप अपना क्या बना सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। जैसे कि आपने इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन भी आती है स्क्रीन की। अगर जैसे आपका लग रहा है कि हाँ मेरी जो स्लाइड्स हैं वो मैं स्लाइड्स के ऊपर नहीं कुछ करना चाहता, मैं डायरेक्ट यहाँ पे, आप ब्लैक या व्हाइट स्क्रीन भी ले सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे हमने जैसे ऐसे सन बना लिया, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो। जैसे अगर आपने इस तरीके से देनी है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस है। जैसे कि यहाँ पे हमने राइट पे क्लिक किया, फिर आपके बाद अनब्लैक स्क्रीन करनी है या आपको व्हाइट स्क्रीन चाहिए, तो आप यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है पॉइंटर ऑप्शन। यहाँ पे आपकी जो कलर की इंक है, जो हमारी क्या है रेड है, तो यहाँ पे आप इंक का कलर भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर चाहिए। जैसे कि अब हमने ये ब्लू कलर, तो आप देखोगे हमारे पास जो इंक का कलर अभी ये जो हो चुका है। उसके बाद हमारे पास जो राइट क्लिक करने पे जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है, हमने राइट क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है हाईलाइटर की। हाईलाइटर की जैसे कि पहले अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड पे आगे, मैंने P की प्रेस की है, तो हम यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड पे आगे। तो जब हम यहाँ पे राइट क्लिक के पे क्लिक करते हैं, तो पॉइंटर ऑप्शन के अंदर आपको और ऑप्शन मिलती है हाईलाइटर की। आपने MS वर्ड के अंदर हाईलाइटर भी किया है, किस लिए होता है हाईलाइटर, जैसे आप नोट्स वगैरह में क्या करते हो, कुछ आपने जो टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है, मतलब सॉरी जो आपका कुछ नोट्स वगैरह में क्या होता है, आप कुछ लाइन लर्न करना चाहते हो, तो आप हाईलाइटर से क्या कर लेते हो, उसको हाईलाइट कर लेते हो कि हाँ मैंने बस इतना इतना ही लर्न करना है। तो आप हाईलाइटर की हेल्प से अपना टेक्स्ट क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। अब सपोज कि मेरे को ये जो रेड कलर की लाइंस लगी हुई है या हाईलाइटर यूज है, मेरे को इन सभी को क्या करना है, क्लियर करना है, तो आप इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड ये भी क्लिक कर सकते हो। अगर आपने अलग से अपनी इरेजर, जैसे आप आपको पॉइंट उसके अंदर जो हमारा पेंट होता है उसके अंदर आपको इरेजर मिलती है, इस तरीके से आप वैसे भी इरेज कर सकते हो। हम यहाँ पे करते हैं इरेज ओ लिंक ऑन द स्लाइड, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका सारा इरेज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है, ये हम यहाँ पे सब कुछ कर चुके हैं हाईलाइट वाला। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है हेल्प वाली। हेल्प ये किस लिए है कि ये आपको थोड़ा, जो आप F5 करते हो मतलब स्लाइड शो रन करते हो, तब तब आपकी क्या क्या कीज यूज होती है, किस किस के लिए, तो आप वो चीज़ देख सकते हो कि अगर आप लेफ्ट क्लिक करते हो या स्पेस बार दबाते हो या राइट या डाउन एरो दबाते हो कीबोर्ड से, या एंटर की प्रेस करते हो या पेज डाउन करते हो, तो आपके नेक्स्ट स्लाइड पे मूव हो जाओगे। उसके बाद अगर आप P यूज करते हो, जैसे अभी मैंने P की यूज की थी, या आप बैक स्पेस यूज करते हो या लेफ्ट या अप एरो यूज करते हो या पेज अप एरो अप वाली की यूज करते हो कीबोर्ड से, तो आप प्रीवियस जो आपकी स्लाइड होगी उस पे जंप कर जाओगे। तो आप इस तरीके से क्या है, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है। अगर आपने जैसे डायरेक्ट आप राइट क्लिक करके नहीं कुछ मतलब इरेजर वगैरह लेके आना चाहते, तो आप E दबाओगे तो क्या है, इरेज होने लग जाएगी उसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपना जो पॉइंटर है,
पॉइंटर टू पेन, ये आप चेंज कर सकते हो अगर आपने चेंज करना है। अगर आपने पॉइंटर को एरो में चेंज करना है, डायरेक्टली राइट क्लिक से नहीं जाना चाहते आप, तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए यूज़ करोगे। जब आपका स्लाइड शो रन हो रहा है तभी ये आपकी सारी ऑप्शंस काम करेंगी, अदरवाइज नहीं आपकी ये वाली ऑप्शंस काम करेंगी। तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से कर सकते हो लर्न, जो आपका क्या है जो स्लाइड शो है या प्रेजेंटेशन इफेक्टली, अगर आप और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से विदाउट हेल्प ऑफ कीबोर्ड अगर आप रन करना चाहते हो। अभी हम एस्केप की प्रेस कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या प्रेजेंटेशन से क्या आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं हमारी स्लाइड शो से। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड नरेशन में, क्या होता है कि मतलब आपकी क्या है, मतलब आप आपकी प्रेजेंटेशन है या आप क्या करना चाहते हो उसको, क्या करना चाहते हो, आपकी प्रेजेंटेशन है आप अलग से उसकी क्या प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, और आप क्या कर सकते हो उसके लिए आपको माइक्रोफोन चाहिए। माइक्रोफोन अटैच करके आप क्या कर सकते हो, पैरेलल पैरेलल रिकॉर्डिंग कर सकते हो और आपकी प्रेजेंटेशन चलती रहेगी। और मतलब जैसे कि आप कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप खुद नहीं प्रेजेंट हो सकते, तो आप अपने क्या इस तरीके से ऑडियो के साथ अपनी प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारी नेक्स्ट ऑप्शन आती है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग क्या चीज़ होती है, जैसे कि आपने सपोज कि मतलब आपकी प्रेजेंटेशन है, आप चाहते हो कि मेरी जो स्लाइड्स है ना, मेरी मतलब जैसे आपकी फिक्स है कि मैंने इतनी ही लाइंस बोलनी है ये वाली स्लाइड पे, इतनी लाइन बोलनी है ये वाली स्लाइड पे, इतनी लाइंस बोलनी है ये वाली स्लाइड पे। तो रिहर्स टाइमिंग का क्या मतलब है, जैसे आप क्या करते हो कि पहले ही रिहर्सल कर लेते हो, टाइमिंग सेट कर देते हो कि मेरी जैसे मैंने लाइंस बोलनी स्टार्ट कर दी और मेरी स्लाइड शो रन हो रहा है, तो मतलब क्या होएगा, मतलब जो आपका तो आप जितने टाइम में आपसे वो लाइंस बोली जाएंगी ना, उतना टाइम आपका क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। मतलब उतने टाइम तक आपकी वो वाली स्लाइड क्या होएगी, स्टॉप रहेगी, मतलब आगे नहीं नेक्स्ट पे मूव होएगी जब तक आपकी लाइंस नहीं खत्म हो जाती। तो आप इस तरीके से रिहर्सल टाइमिंग कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे रिहर्सल टाइमिंग कर रहे हैं, जैसे कि हमारी ये वाली स्लाइड है व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा टाइम स्टार्ट चल रहा है कि ये वाली जो मेरी स्लाइड है, सपोज मैं यहाँ पे लाइंस बोल रही हूँ ये वाली स्लाइड पे, मेरे को इतने सेकंड्स की लाइंस बोलनी है बस, मेरे को अब नेक्स्ट और नहीं बोलनी। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर दिया, उसके बाद जैसे कि हमारी जो सेकंड स्लाइड आ गई, इस पे मैंने बस ओनली 2-3 सेकंड्स का ही बोलना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड आ गई। ये जैसे हमारी व्हाट इज इंटेरिया, उसके बाद यहाँ पे मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड आ गई, तो यहाँ पे ये मेरी मैच वाली आ गई, तो मैंने यहाँ पे क्या है मैच कर दिया। तो वो कह रहा है कि जो आपका अब टोटल टाइम हो गया ना स्लाइड शो का, वो 34 सेकेंड्स का हो गया। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वो कह रहा है कि आपने जो स्लाइड टाइमिंग यूज़ करनी है जब व्यू द स्लाइड शो करना है, यस हमने स्लाइड टाइमिंग भी देखनी है। तो आप यहाँ पे देखोगे हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था, स्लाइड शो के अंदर हमने 4 ही सेट की हुई थी, 5 से लेके 8 तक की। तो आप देखोगे जो मेरी सपोज की मेरी लाइंस है, जो फर्स्ट स्लाइड की इतनी लाइंस है कि मैंने 19 सेकंड तक मेरे को स्पीच चलेगी मेरी 5th स्लाइड पे, 6th स्लाइड पे मेरी 8 सेकंड तक स्पीच चलेगी, फिर जो 7th स्लाइड है उस पर मेरी 4 सेकंड की स्पीच चलेगी, और 8th स्लाइड पे भी मेरी क्या है 4 सेकंड की स्पीच चलेगी। तो आप देखोगे मतलब उतना टाइम तक क्या है आपकी जो स्लाइड है वो स्टॉप रहेगी, नेक्स्ट मूव नहीं करेगी। जैसे हम यहाँ पे F5 कर देते हैं, तो आप देखोगे जो हमारी फर्स्ट वाली स्लाइड है, हमने जितना वो उसका टाइम था स्लाइड का, वो उतना टाइम लेगी अपने आप, वो नेक्स्ट पे तब जाएगी जब उसका क्या हो गया, हमने सपोज की हमने जितनी लाइंस बोल दी थी हमने सारी बोल दी, और फिर हमारी क्या हो जाएगी नेक्स्ट पे मूव कर जाएगी। तो आप देख रहे हो कि हमारी जो मतलब ये इस तरीके से क्या है उतना ही टाइम लेती है। तो ये रिहर्सल टाइमिंग होती है कि आपको कितना टाइम लगेगा किसी भी स्लाइड के ऊपर स्पीच देने में, तो उतने टाइम तक जो हमारी प्रेजेंटेशन की स्लाइड है वो हमारी क्या रहती है, स्टॉप रहती है, मतलब नेक्स्ट मूव नहीं करती। तो अभी ये हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, हम एस्केप की प्रेस करते हैं। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, रिहर्सल टाइमिंग का जो रिहर्स टाइमिंग है उसका ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। जो आपकी बाकी आपका जो रेजोल्यूशन है, आपने कितना अपने जो आपकी स्क्रीन है उसका रेजोल्यूशन सेट करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो अपना रेजोल्यूशन उस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसका किसी। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो स्लाइड शो है ये हमारा जो ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो ये रिव्यू टैब है, ये आपने एमएस वर्ड के अंदर भी किया हुआ है कि अगर आपने रिव्यू टैब के अंदर अगर आपने कोई मतलब आपकी प्रेजेंटेशन है या उसके अंदर आपने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है,
उसमें कोई स्पेलिंग एरर या ग्रामर एरर चेक करनी हो, उसके बाद यहाँ पे थीसर्स में क्या होता है, सिनोनियम एंटोनिम होते हैं किसी भी वर्ड के, अगर आपने रिप्लेस करना हो तो आप वो चीज़ कर सकते हो। अगर आप